न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम वालो न वृद्धो हम, इवई ताने पुद्गले। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने न मे मृत्यु क्या लिखा है, मेरी मृत्यु नहीं है, कुतो भीति तो भय कैसा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये श्लोक किसी कमरे के अंदर बैठ के नहीं लिखा है, किसी सुरक्षित जगह बैठ कर के नहीं लिखा है। उन्होंने ये श्लोक जंगल में बैठकर लिखा है, जहाँ पर शेर भी होते हैं, चीता भी होते हैं, भालू भी होते हैं, बाघ भी होते हैं, सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं और कीड़े मकोड़े भी होते हैं। उन्होंने इस श्लोक को मात्र शब्दों में नहीं लिखा है, उन्होंने इस श्लोक को प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ में लिखा है। उन्होंने शेर का सामना भी किया होगा, शेर की दहाड़ भी सुनी होगी। जंगल में शेर भी रहता है और जंगल में मुनिराज भी रहते हैं, तो वहाँ रह कर के और फिर उन्होंने लिखा ना मे मृत्यु, शेर सामने खड़ा है। फिर आचार्य महाराज कहते हैं कि ना मे मृत्यु कुतो भीति, भय कैसा, जब मेरी मृत्यु है ही नहीं तो शेर खा जाए, मेरे शरीर को खा सकता है, मेरी आत्मा को नहीं खा सकता है। ये प्रैक्टिकल ज्ञान था। हम इसे सुन तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, मगर अभी ये शाब्दिक है, इसको अंदर उतारने का प्रयास करना चाहिए, कर रहे हैं, जो जितना कर पा रहा उतना कर रहा है। लेकिन ये लाइन आचार्य महाराज ने प्रैक्टिकल में लिखी थी कि मृत्यु सामने भी खड़ी हो तो भय कैसा, मेरी मृत्यु है ही नहीं है, मैं तो अजर अमर और अविनाशी हूँ, तो मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक बहुत बड़े साधक थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत शक्तियाँ थीं उनके पास में, वैसे उनका नाम देवनंदी है। लेकिन वो एक लेप अपना तैयार किया था उन्होंने, उसको वो पैर में लगाते थे और उसके माध्यम से वो आकाश में गमन कर लेते थे, आकाश में गमन करते थे। तो उनके चरण कहाँ होते थे, आकाश में, तो पूज्य पाद, इस हिसाब से उनको सभी पूज्य पाद स्वामी कहने लगे। उन्होंने समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, सर्वार्थ सिद्धि और प्रिय स्त्रोत, एक बड़ा अच्छा स्त्रोत्र है वो, उन्होंने बहुत लेखन किया है। एक वीतरागी आचार्यों के हाथ का लिखा हुआ लेख एक अलग विशेषता रखता है, अलग ही उपदेश रहता उनका, उनके जीवन में प्रैक्टिकल के साथ में होता है। उन्होंने ये कहा न मे मृत्यु, तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा है कि शास्त्र में इससे इसमें पढ़ लिया और इसमें लिख दिया, नहीं, उन्होंने पढ़ा, उसको जीवन में उतारा, उनके साथ वैसी परिस्थितियां आई, सामने मृत्यु भी आई तो वो घबराए नहीं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि ना मे मृत्यु, मेरी मृत्यु तो होती नहीं है तो भय कैसा। ऐसे ज्ञानी महाराज जिन्होंने अनेक शास्त्र लिखे हैं, जिन्हें काव्य का ज्ञान था, श्लोक लिखे हैं, इसका मतलब काव्य का ज्ञान तो रहा होगा ना, अरे बोलिए ना, हैं, काव्य शैली तो थी उनके पास में, तभी तो उन्होंने, क्योंकि काव्य लिखना सरल बात नहीं है, गद्य तो सीधा सीधा लिख दो, हालांकि गद्य जो वास्तविक गद्य है, जो साहित्यिक गद्य है, जो एक जो विचार करें कि जो उत्तम क्वालिटी का गद्य है वो एकदम वो अलग चीज़ है, लेकिन सामान्यतः है एक चिट्ठी लिखनी है, जो मन में है भाव आए तो लिख दिया, ठीक है,
हम यहाँ पर ठीक हैं और यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है और यहाँ ऐसा चल रहा है और इस बच्चे ने ऐसा कर दिया और उसने ऐसा कर दिया, चिट्ठी लिख दी आपने, ठीक है। अब इसी चिट्ठी को कहें कि काव्य में लिखो, अरे बोलिए ना, नहीं लिख पाएंगे हैं, मतलब काव्य लिखना कठिन है। तो आचार्य स्वामी जो थे, पूज्यपाद स्वामी जो थे, वो काव्य में भी निपुण थे, साधना में भी निपुण थे, और उसके साथ में ज्ञान उनका गहराई कर किया हुआ था, प्रैक्टिकल ज्ञान था उनका। ऐसे हमारे जैन साहित्य के लेखन में अनेक आचार्यों का योगदान है। आचार्य कुनकुन स्वामी ने प्राकृत में लिखा है, पहले प्राकृत भाषा चलती थी, उसमें भी काव्य होता है, तो प्राकृत भाषा चलती थी, तो वो उन्होंने जो समय सार की गाथाएं हैं वो क्या हैं, वो भी काव्य है। आप जो कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी जाती है ना, आप उसको केवल काव्य समझते हैं, उसको ही समझते ना काव्य, काव्य जबकि जो छंद, मात्रिक छंद है, और इस तरह से जैसे संस्कृत में जो छंद होते वो अलग होते, हिंदी के छंद अलग होते हैं और संस्कृत के छंद अलग होते हैं। यानी कि जैसे आप महावीर अष्टक पढ़ते हैं, शिखरणी छंद, यदि ये चैतन्य मुकुरे विभावा शिदचिता, कौन सा छंद हो गया, शिखरणी छंद हो गया। अब भक्तांबर पढ़ो, भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, तर्ज बदल गई है ना। बसंत तिल का छंद हो गया, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रवर्ते, है ये भी दूसरा छंद हो गया। ऐसे संस्कृत के छंद अलग हैं, इसमें मात्राओं का रहता, जैसे दो एक लाइन लिखना है तो कितने शब्द होने चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए, इस बात का ज्ञान होना जरूरी होता है, तभी छंद लिखा जा सकता है। हिंदी में भी बहुत सारे छंद होते हैं, शंभु छंद है, नाराज छंद है, शंभु छंद आप पढ़ते ही हैं, अनादिकाल से जग में स्वामी जल से चित्ता को माना है, शंभु छंद है, नाराज छंद, नीरगंधे अक्षताने पुष्प चारु लीजिए, नाराज छंद हो गया है ना। इसी तरह से भुजंग प्रयात छंद, नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम, भुजंग प्रयात हो गया। गीता छंद, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, गीता छंद हो गया। त्रिभंगी छंद हो गया है, वसुद्रव्य सवारी तुम डिगधारी आनंदकारी द्रग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी शरणारी, ये त्रिभंगी छंद हो गया। तो ये छंद बहुत सारे होते हैं और इन छंदों को लिखने में ध्यान रखना पड़ता कि कितनी मात्राएं हैं, कितने शब्द हैं, कहाँ रोकना है, कहाँ एक लाइन लिखनी है, एक दोहा लिखना है तो एक दोहा में दो लाइनें होती हैं, दो लाइनों में चार चरण होते हैं, जो आखिरी के जो शब्द होते हैं वो एक से होते हैं। जैसे राजा राणा, ये दोहा है ना, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन। अब असवार आ गया और अपनी अपनी वार आ गया, ये दो शब्द एक से आ गए लास्ट के, है इसे दोहा कहते हैं। तो काव्य का महत्व हर जगह है, हर जगह है, चाहे धर्म हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे बाहर भौतिक क्षेत्र हो, और चाहे हिंदुओं में हो, उसमें भी तुलसीदास जी ने कितनी रामायण लिखी है, वो कैसे लिखी, गद्य में नहीं लिखी, पद्य में लिखी है। तुलसीदास के दोहे, कबीरदास के दोहे, और मीरा के दोहे सुने हैं ना आपने। तो काव्य एक बहुत अच्छी कला है, और अपनी बात को काव्य में कहना एक बहुत अच्छा अपनी बात को कहने का तरीका है। अब मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति वोई। अब यही बात वो हिंदी में कहती, गद्य में कहती, तो लोग कहते बताओ मीरा क्या कह रही, उल्टी सीधी बात कर रही है। अब उसने इसको गा के कहा, आज तक गाया जा रहा है, लोग आज तक गा रहे हैं उसको, और आज तक गा करके और फॉलो कर रहे हैं कि भाई देखो कितनी भक्ति है उसकी।
तो भक्ति में भी काव्य का बड़ा महत्व है, अध्यात्म में भी काव्य का बड़ा महत्व है, और जीवन में ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा आए भले तुम एक्सपर्ट ना हो जाओ, मगर थोड़ा बहुत काव्य तो आना ही चाहिए। आप वैसे किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई मेहनत नहीं लग रही है, लेकिन उसी बात को कविता में कहना है, थोड़ा सा सीखना पड़ता है। आप कहो तो सिखा दूं मैं। अरे बोलिए ना, जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी अपने कॉपी पेन तैयार कर लें, थोड़ा सा काव्य। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस समय पर आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, आपके पास में माइंड का कोई काम नहीं है, तो आप कम से कम दो चार दिन, एक दो दिन, जो भी मेरा मन करेगा मैं आपको काव्य कला सिखा देती हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा तो बनाना सीख ही जाएंगे, इतनी तो मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे कौन सा आता था। थोड़ा सा बढ़ाना, हल्का सा, हाँ थोड़ा सा बढ़ाना है। मुझे कौन सा आता था, जब आचार्य श्री गुरुवर सन्मति सागर जी का चतुर्मास सिवनी में हुआ, तो वहाँ गुरु जी ने काव्य कला की क्लास लगाई, मैंने अटेंड की। उसमें थोड़ा थोड़ा एक एक दोहा बनाना सीख लिया, मुक्तक बनाना सीख लिया, थोड़ा सा सीख लिया, दो चार दिन बनाया फिर भूल गए। फिर सोनागिर जी में गुरु जी ने फिर काव्य कला की क्लास चलाई, तो वहाँ पर मैंने सीखा, और सभी वहाँ पर जितने हमारे संघ के थे सभी लोग बैठते थे, और भी जितने बच्चे आ जाते थे वो भी बैठते थे, सभी बैठते थे, वहाँ भी सीखा, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ तो ऐसी धुन लगी, धुन जानते ना, धुन लगन है, कि यदि हमें दरवाज़ा भी खुलवाना होता था तो हम गाकर कहते थे कि दरवाज़ा खोलो, दीदी द्वार पर खड़े हैं दरवाज़ा खोल दीजिए, है ऐसे गागा के कहते थे, वहाँ दिन भर गागा के सारी बात करते थे। वहाँ सीखा थोड़े दिन के बाद में, फिर वहीं दो एक आध महीने में फिर वो भी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में मैं एक मन में कभी आया नहीं कि मुझे कुछ लिखना है, फिर इटावा में थोड़ा मुक्तक छंद का आया कि मुझे लिखना है, मैंने लिखे, एक दिन में 20 लिख दिए, बड़ा अच्छा लगा, अच्छा मैंने मुक्तक बना दिए, वाह। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते करते हम लोग थोड़ी कभी कविता दीक्षा के बाद कभी कविता लिख लेते, कभी मुक्तक लिख लेते, कभी थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। और उसके बाद फिर जैसे हम लोग रानीला पहुँचे तो वहाँ मन में विचार आया कि भगवान का चालीसा लिखना है। अतिशय क्षेत्र रानीला जी भूगर्भ से प्रकटित प्रतिमा है, तो वहाँ मन में आया कि मुझे चालीसा लिखना है, और लिखने बैठी, लिख गया, अच्छा मैं चालीसा भी लिख सकती हूँ। उसके बाद फिर सहारनपुर चतुर्मास हुआ तो वहाँ पर नमोकार मंत्र की जाप बैठी, तो मन में आया नमोकार मंत्र की पूजा लिखनी चाहिए, लिख गई, अच्छा। फिर मन में आया कि गुरुजी की पूजा लिखनी है, लिखी, लिख गई, अच्छा। फिर उसके बाद में मन में आया कि देवशास गुरु की पूजा लिखनी है, वो भी लिख गई। फिर उसके बाद आया कि मुझे दिवाली आ रही थी तो दिवाली की पूजा लिखनी है, वो भी लिख गई, अच्छा। फिर एक छोटी सी किताब बन गई। जब मैं लिख रही थी तो वहीं पर लोग बैठे थे, बोले माता जी आप पूजा लिख रही हैं, उनकी हाँ, तो ये हम छपवाएंगे अपनी तरफ से। भक्त देखो, मतलब लिखने का, आप लिखने के लिए आगे तो बढ़ो, छपवाने वाले तो तैयार बैठे हैं। फिर उसके बाद उसके फिर स्टॉप लग गया, फिर नहीं लिखा बहुत दिन तक कुछ भी। फिर शिखर जी गए, शिखर जी में आया कि 24 टोंकों के अर्घ लिखने हैं, तो सुबह तो वंदना करती थी और दोपहर में 24 टोंकों के अर्घ लिखती थी, वो भी लिख गए, बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मन में आया कि वहाँ पर विधान करना है, तो मैंने वहाँ जो समय शिखर विधान होता था वो दे दिया उन्होंने मुझे। अब वो विधान पढ़ा तो विधान में क्या था, विधान में था जो ऊपर की जो लाइनें होती थी गाने वाली, उसमें इतने कोटि इतने कोटि इतने कोटि मुनि मोक्ष गए, और जो मंत्र होता था उसमें भी यही लिखा, इतने कोटि इतने कोटि इतने कोटि मुनि मोक्ष गए। मैंने कहा ये क्या विधान हुआ, इसमें ऊपर की लाइनों में तो भाव होना चाहिए और मंत्रों में संख्या होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब मन खुद ही अंदर से बोल रहा है, हैं। अब उसके बाद लगा कि मैं लिखूं, मैं विधान थोड़ी लिख सकती हूँ, नहीं, लिख के देख तो सही, हाँ चलो लिखने बैठी, लिख गया विधान भी लिख गया।
उस समय पर सहारनपुर के राजकुमार जी थे वो वहीं पर शिखर जी में थे, और देवेंद्र जी देहरादून वाले वो भी वहीं थे। तो जो राजकुमार जी थे बोले माता जी लाओ मैं वहाँ से छपवा दूँगा। तो देवेंद्र जी बोले माता जी मैं छपवाऊँगा अपनी तरफ से। लो विधान छप के भी आ गया और विधान होना भी शुरू हो गया। फिर कर्मदहन विधान लिखा, फिर गाजियाबाद पहुँचे वहाँ 64 रिद्धि विधान लिखा, फिर वहाँ से बिहार करते हुए मेरठ आदि पहुँचे, फिर थोड़े दिन छूट गया। फिर उसके बाद समोशरण विधान लिखना मेरठ में शुरू किया, फिर वहाँ हरिद्वार चतुर्मास हुआ। तो रास्ते में जब चलते थे तो वहाँ बड़ा जंगल का एरिया, और पता नहीं वहाँ का वातावरण कैसा था, बिहार करने के बाद भी लिखने का मन करता था। फिर वहाँ लिखा, फिर वहाँ से फिर हरिद्वार चतुर्मास में पहुँचे, तो वहाँ पर पूरा हो गया समोशरण विधान। अब एक दिन जेसी जैन जी के वहाँ पर बैठे हुए थे मंदिर में, तो वहाँ पर जेसी जैन जी ने पूछा बोले माता जी सबसे बड़ा विधान कौन सा है। एक पंडित जी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा पंडित जी आप बताओ, आप विधान एक्सपर्ट हो। बोले माता जी सबसे बड़ा विधान कल्पद्रुम विधान होता है। तो बोले माता जी यही विधान करवाओ अपने यहाँ। तो मैंने कहा मैंने तो लिखा नहीं है। बोले आप लिख दो। मैंने पंडित जी से पूछा विषय क्या है, मैंने किया ही नहीं था। तो मैंने कहा विषय क्या है, बोले समोशरण का विषय होता है। तो मैंने कहा एक विधान दिखाओ मुझे। फिर देखा, अब जैसी जैन बोले माता जी विधान होगा तो आपका लिखा हुआ ही होगा। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे लिख सकती हूँ मैं इतना मोटा विधान। बोले नहीं होगा तो आपका लिखा हुआ होगा। मैंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ। तो करीब जो शुरू की 4-8 पूजाएं थी वो समोशरण विधान से ले ली, और बाकी जो पीछे की पूजाएं थी 22 दिन में कल्पद्रुम विधान पूरा हो गया, 22 दिन में। लेकिन उस समय लगन ऐसी लगती थी कि सुबह 4 बजे से 5 बजे तक सामयिक आदि पाठ आदि, और उसके बाद 5 से 10 बजे तक लिखना, फिर आहार, आहार के बाद फिर 1 बजे बैठना, शाम को 5 बजे तक लिखना। कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए, 1 से 5 4 घंटे, और 5 से 10 5 घंटे हो गए, तो 5 और 4 9 घंटे। और रात को सामायिक के बाद बैठती तो रात को 12 बजे तक लिखती। ऐसी लगन लगी कि बस से वो 22 दिन में पूरा हो गया। कुछ हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और रुड़की, ये 4-5 जगह ना जाने इस भूमि का क्या प्रभाव रहा। 1 वर्ष भ्रमण रहा वहाँ मेरा, और वहाँ 1 वर्ष के भ्रमण में मैंने इतना लिखा कि शायद मैं फिर अगले वर्ष इतना नहीं लिख पाई। कुछ भूमि का भी प्रभाव होता है। हाँ, फिर कल्पद्रुम विधान लिखा, फिर 10 लक्षण विधान लिखा, पंचमेरु विधान लिखा, फिर उसके बाद वहाँ पर सोनागिर विधान लिखा, फिर वहाँ चतुर्मास पूरा हो गया, फिर बिहार मेरा रुड़की हो गया। अब रुड़की में मैं बैठी थी तो यूसी जैन आए, बोले माता जी आजकल क्या लिख रही हो। मैंने कहा बताओ क्या लिखना है। बोले माता जी सिद्ध चक्र विधान लिख दो। मैं कही ठीक है। मैंने कहा लो ये कॉपी पेन पकड़ो, मैं बोल रही हूँ, आप मंगलाचरण शुरू करो लिखना। मैंने बोलना शुरू किया, उन्हें लिखना शुरू कर दिया, और लिखना शुरू हो गया। अब वो शुरू किया, वो फिर लगन लग गई लिखने की, वही पुराना रूटीन, सुबह 5 बजे से 10, 1 से 5 और 8 से 12, और 18 दिन में सिद्ध चक्र विधान पूरा हो गया। और वहाँ एक भाई को छपवाना था कि बोले माता जी हमने बोला हुआ था कि हमें सिद्ध चक्र विधान छपवाना है, तो हम छपवाएंगे ये विधान। लो विधान छप भी गया। और फिर देहरादून गए, वहाँ से बिहार करके देहरादून गए, तो देहरादून में विधान होना था, तो एक पंडित जी रांची से आए थे, विनायका जी, तो वो आए मेरे पास। तो मैंने कहा पंडित जी विधान सिद्ध चक्र अपन ने लिखा है वो वाला हो जाएगा। नहीं जी, विधान होगा तो संत राम जी का होगा, पुराने विधान होगा, नया विधान नहीं हो सकता है। अच्छा, तो वहाँ उस समय वहाँ के उत्तराखंड के अध्यक्ष है, नाम मैं भूल गई उनका, वो बैठे हुए थे, बोले सुरेश जी, तो बोले माता जी इन्हें बहुत अच्छा विधान लिखा है, आप उसको करवाइए एक बार। बोले नहीं जी, विधान तो होगा तो पुराना ही होगा। अच्छा जी, फिर उनके मन में ना जाने क्या बात आई, बोले अच्छा एक काम करो, वो जो विधान लिखा है ना उसकी एक किताब मुझे दे दो, मैं दोपहर में देख लूँगा फिर शाम को बताऊँगा।
अब वो किताब लेके कमरे में गए, दिन भर उन्होंने आराम नहीं किया। किताब यदि उन्होंने शुरू करी तो उनसे आराम नहीं किया गया, वो पढ़ते रहे, पूरी किताब देखी उन्होंने। और शाम को जब लौट के आए तो पहले मंदिर नहीं गए, पहले वो मेरे पास आए, बोले विधान होगा तो आपका लिखा हुआ होगा। और फिर विधान जब हुआ तो पूरे विधान में दिन में एक बार विधान में वो माफी मांग ही लेते थे कि माता जी आपने इतना अच्छा विधान लिखा है और मैंने क्यों मना किया, मुझे बार बार पछतावा होता है। वो कई बार तो बीच बीच में ऐसी लाइनें आती थी कि पढ़ के उनके आंसू निकल जाते थे, इतने भाव विभोर हो जाते थे। वो बोले माता जी मैंने क्यों मना किया, मुझे नहीं पता है, आप तो मुझे माफ कर दो, बस आप तो मुझे क्षमा कर दो, इतना अच्छा आपने विधान लिखा है। फिर ऐसे चक्र विधान लिखा। फिर वहीं देहरादून में एक डेढ़ दो महीने का प्रवास रहा गर्मियों में, तो वहाँ फिर मैंने जिनवाणी लिखी। फिर मेरे मन में आया कि जिनवाणी में संकलन तो बहुत है, इसकी पूजा, उसकी पूजा, उसकी पूजा, अलग अलग पूजाओं का संकलन तो बहुत है, कहीं नई पूजा, कहीं पुरानी पूजा। मैंने कहा एक जिनवाणी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारी नई पूजाओं और आने वाली पीढ़ी जो खार खादी चिर भटादी, मैं पूजा की बुराई नहीं कर रही लेकिन खार खादी चिर भटादी का अर्थ ही नहीं पता कि चिर भटादी आप ही बताइए क्या होता है। तो मैं जिस समय ये पूजाएं लिखी गई थी होंगी उस समय इन शब्दों का प्रयोग प्रचलन में होगा, लेकिन आज इन शब्दों का प्रयोग प्रचलन में नहीं है। तो समय के साथ में भक्ति साहित्य में परिवर्तन आता है। पहले संस्कृत में पूजाएं होती थी, पहले संस्कृत में विधान होते थे, क्यों? क्योंकि पहले संस्कृत चलती थी बोलने में, तो समझ में संस्कृत आती थी। अब हिंदी समझ में आती, पहले कठिन हिंदी होती थी तो उस समय की वो सरल हिंदी होती थी, अब इस समय की दूसरी हिंदी हो गई है। तो जिस समय जैसी पूजाएं भाषा होती है वैसा भक्ति साहित्य होता है। हाँ, सिद्धांत नहीं बदलता है, सिद्धांत तो जो रहेगा वो रहेगा, लेकिन भक्ति साहित्य तो वही होता है जो कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तित हो जाए और लोगों की समझ में आ जाए। तो इस तरह से वहाँ फिर जिनवाणी लिखी, फिर जिनवाणी पूरी हो गई, फिर वहाँ पर मैंने इंद्रध्वज विधान शुरू कर दिया, फिर वहाँ से बिहार हो गया। बिहार करते हुए अम्बाला आए, फिर वहाँ इंद्रध्वज विधान पूरा किया। फिर वहाँ पर एक बहन जी आई, बोले माता जी हम लोग पूजा करते हैं तो पार्श्वनाथ का बहुत जगह जगह मंदिर बहुत हैं, बोले हमें अलग अलग मक्सी पार्श्वनाथ की अलग करते हैं, वहाँ की अलग करते हैं, आप एक काम करोगे इकट्ठे पार्श्वनाथ की पूजा बना दो। मैंने कहा हाँ ये ऐसा भी हो सकता है। उस समय अंगूठे में बड़ा दर्द था, दाएं हाथ के अंगूठे में, तो मन में आ रहा कि लिखना है। उस समय पर मैंने बाएं हाथ से 8 पार्श्वनाथ इकट्ठे अतिशय क्षेत्र की फिर वो पूजा लिखी। इसी तरह से आगे करते 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 धीरे 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 फिर वहाँ से बिहार हुआ। बिहार होकर के फिर शामली आए, शामली से सोनीपत गए, सोनीपत से फिर दिल्ली गए, फिर दिल्ली में वहाँ फिर विधान आदि लिखे। जहाँ जाते थे मन करता था लिखने का, लिखते रहते थे। फिर मैंने महावीर विधान लिखा। महावीर विधान लिखा तो महावीर विधान भी कैसे लिखा, अब महावीर जयंती शायद 12 तारीख की थी, है ना, 12 तारीख की महावीर जयंती, और 5-6 तारीख को याद आ रहा कि मुझे विधान लिखना है, तो मैंने विधान लिखा। 2 दिन में विधान लिखा गया। और लिखने के बाद उस समय शालू दीदी ही टाइप करती थी सारे विधान, जो मैं लिखती थी वो ये टाइप करती थी, इसने फटाफट उसको टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद प्रेस में चला गया, 3 दिन में छपके आ गया और 12 तारीख को विधान हो गया। अब उसमें जो भूमिका लिखी गई कि 2 दिन में हुई विधान की रचना, अब वो विधान पहुंचा महावीर जी। अब भाई किताब निकलती है, लोग लेकर जाते हैं, सबकी भावना जब अच्छा लगता है तो सबको लगता है कि सब इस चीज़ को हम अधिक से अधिक फैलाएं और सबको बांटें ताकि वो भी कर सके, ऐसी भावना सबके मन में होती है। वहाँ कोई कलकत्ता के व्यक्ति आए हुए थे तो वहाँ पर उनने वो विधान पढ़ा, बोले अच्छा ये तो कोई बड़ी झूठ सी बात लिखी है, 2 दिन में विधान की रचना हो ही नहीं सकती है। तो उनके परिचय में जो पंडित विनोद जी रजवास वाले और सनत जी थे वो उनके संपर्क में थे,
तो उन्होंने उनको फोन किया, बोले एक विधान मेरे हाथ में आया है और ऐसे कैसे संभव है। आजकल ऐसा होने लगा कि ये भी लिखने लगे, दो दिन में कहीं लिखा जा सकता है क्या। अच्छा पंडित जी मेरे पास आते रहते थे तो परिचय था मेरे से, तो उन्होंने फिर उन्हें बताया, बोले भाई साहब माता जी दो दिन में तो क्या, एक दिन में विधान लिख देंगी। थोड़ा सा उस समय देखो प्रवचन भी करना, सामायिक भी करना, आहार भी करना, सोना भी, और उसमें से टाइम निकाल करके विधान लिखना, इतने काम के बाद में। तो उन्होंने फिर पंडित जी ने जब उनसे कहा तब उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ माता जी लिखती होंगी। तो पढ़ के तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई दो दिन में विधान की रचना हाँ कर सकता है। तो इस तरह से विधान चलते गए, लिखता गया, लिखते गए। फिर दिल्ली साइड में, दिल्ली में मैंने बहुत विधान लिखे। हाँ भजनपुरा में महावीर विधान लिखा, मुनि सुब्रतनाथ विधान मैंने सूर्यनगर में लिखा, शायद गाजियाबाद में कहाँ लिखा, हाँ मुझे याद नहीं है। मुनि सुब्रत विधान भजनपुरा लिखा। इसी तरह से मैंने और विधान, वहाँ आदिनाथ जयंती हो आई तो आदिनाथ विधान लिख दिया है, शांतिनाथ भगवान का कल्याणक आया तो शांतिनाथ विधान लिख दिया, कभी सूर्यनगर की पूजा लिख दी। और मैंने 40 तो करीब 50 तो लिखी दिए होंगे, 50-60-40। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे लिख दिए। एक बार तो पंडित जी का दीदी के पास फोन आया कि माता से कहो कि कुनकुन स्वामी की पूजा लिखनी है, 12 चरण है तो कल तक चाहिए है। अब आज फोन आया, रात को पूजा लिखी, 40 लिखा, सुबह भेज दी। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य, बोले अच्छा आपने एक दिन कितनी देर लग रही है, आधा घंटा में अष्टक लिखो, आधा घंटा में जयमाला लिखो और आधा घंटा में 40 पूरा, कितनी देर लग रही लिखने में, जितनी देर लिखने में लगती है बस उतनी देर लग रही है लिखने में। तो मैं ये नहीं कह रही, मैं अपनी बात इसलिए बता रही हूं कि आपके अंदर भी क्षमता है। मैं भले आधा घंटा में लिख लेती हूँ, आप 4 में लिखो, 8 में लिखो। मैंने रोहतक में काव्य कला की क्लास लगाई थी, वहाँ की महिलाएं पुरुष, ओहो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि वहाँ लोग 40 बना के ले आए। हाँ वहाँ कविताएं बना के ले आए, वहाँ छंद बना के ले आए। मैंने तो सोच के, मैंने कि सबके अंदर में ये क्षमता है, लिख सकते हैं लोग, बड़ा अच्छा लगा। अभी सुधीर जी आए थे, डब्बू जी आए थे रोहतक से, उन्होंने फिर कहा, बोले माता जी हमारा मन है कि जो आपने हमें सिखाया था वो आप सारी दुनिया को सिखा दें, क्योंकि जीवन में एक कला तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मोबाइल की जरूरत ना पड़े, टीवी की जरूरत ना पड़े और हमारा मन हमारे द्वारा शांत हो जाए। जीवन में एक कला तो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये कब तक है, जरा लाइट चली गई, नेटवर्क चला गया, गया मोबाइल, गई टीवी। लेकिन हमारे अंदर यदि कोई चीज है तो हम अपना मन स्वयं शांत कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगी, कल सिखाऊंगी, आज सिखा दूं। आज तो मैंने भूमिका बनाई है कि आपको काव्य कला सीखना है, और मुझे पता है कि आप बना लेंगे, आप बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। अरे हमें तो आता ही नहीं है, अरे मैं तो नहीं, मैं बता रही हूँ कि आपको आता है। जैसे भगवान बताते ना कि आपके अंदर परमात्मा है, ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर काव्य लिखने की क्षमता है। और कौन सा काव्य कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताऊंगी, बस आप कॉपी पेन तैयार कर लेना कल, और आज से ही लेके मैं तैयार करके रख लेना ताकि कल ढूंढना ना पड़े। तो बंधुओं, जीवन में जो हमारे मुनिराज थे, जंगल में रहते थे, उनके पास कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे क्या? यहाँ तक कि इतनी जितनी कॉपी पेन आज मिल रहे ना, इतने कॉपी पेन भी नहीं थे। ताड़पत्र होते थे और स्याही होती थी, डोब डोब के लिखते थे, मालूम है ना आपको। लेकिन वो लिखा हुआ कितना गजब का। मैंने एक मंदिर में शास्त्र देखा था 500 पुराना, उसकी प्रशस्ति पढ़ी, 500 पुराना शास्त्र, कितने साल, 500, और 500 पुराने शास्त्र की जो लिखावट थी इतनी सुंदर, और उसकी स्याही
जरा भी खराब नहीं हुई और उसके कागज जरा भी खराब नहीं हुए, 500 साल पुराना। और आज यदि कॉपी को जरा 2 साल तक उठा के रख तो दो, 2 साल के बाद निकालोगे तो उसकी हालत पता रहेगी कि कैसी है। वो पहले जो सामान होता था, जो चीज़ होती थी, उसमें क्वालिटी होती थी। अब तो केवल पैसा कमाने के लिए कितना कमाया जाए, पतले से पतला कागज करते चले जा रहे हैं कि झिल्ली इधर से देख लो, इधर का पढ़ते ही इधर से पढ़ लो, बस पैसा कैसे मिल जाए, पैसा कैसे आ जाए, उस हिसाब से चीज़ बनाई जा रही है। और पहले हर चीज़ में मजबूती होती थी, क्वालिटी होती थी। बंधुओं, हमारे आचार्यों ने जंगल में रह के इतना कुछ लिख दिया। आपके पास लिखने के लिए भी तो सब कुछ है ना। पंडित दौलत राम जी को जानते हो, जिन्होंने छेड़ाला लिखी है। ग्रस्त थे, घर में रहते थे और घर में रह करके छेड़ाला जैसा ग्रंथ लिख दिया। घर में रह करके, जब घर में रहकर वो छेड़ाला जैसा ग्रंथ लिख सकते हैं, तो क्या आप एक भजन नहीं बना सकते? क्या आप एक दोहा नहीं बना सकते? है आपके अंदर भी क्षमता। ऐसा नहीं कि घर में रहने वाला बुद्धू होता है। जितने कवि होते हैं कवि सम्मेलन में, वो भी तो घर में ही रहते हैं, वो भी तो कविताएं बनाते हैं। तो घर में रहकर ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है। घर में रहकर भी अपने बुद्धि का प्रयोग करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस कागज पेन लेकर तैयार हो जाएं। और कल मैं बताऊंगी कि कौन सा छंद कैसे बनाया जाता है और कौन सा। पहले सरल से शुरू करूंगी, कठिन से नहीं करूंगी। पहले मैं महत्व से शुरू करूंगी कि महत्व कैसे बनाए जाते हैं, और महत्व बनाना सिखाऊंगी। और महत्व बनाना सीख गए तो आगे की गाड़ी फिर अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। नींबू के सत्व का, धर्म में तत्व का, और बनाने में बड़ा ही महत्व का, पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और काव्य कला सीखने का, धरती पर नारी का, आने में बारी का, और काव्य कला की आज से ही तैयारी का, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आपके तैयार करने में कॉपी पेन का बड़ा ही महत्व है। मैंने आज इसलिए नहीं सिखाई कि आज आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे थे, इसलिए नहीं तो मैं आज ही सिखा देती, लेकिन कल से सिखाऊंगी। बोलिए 24 भगवान की जय।